जो आप लेंस करके आए हैं अभी तक, वो एक्चुअल में आप एक फॉर्मूला सीख के आए हैं, 1/f = 1/v - 1/u, जो 10th में आपने किया था। लेकिन एक्चुअल में तुमने लेंस बनाना सीखा नहीं था। तुमने कहा था जी एक रेडीमेड लेंस आता है, मैं यूज़ करना दिखा देता हूँ, यू लो वी लो, एफ निकाल लो, एफ लो यू लो, वी निकाल लो, बस खेल खत्म। लेंस बना बनाया थोड़ी ना मिलता है, ये थोड़ी ना कि तुमने धरती को खोद दिया, मिट्टी खोद दी, मेरे लेंस निकले और तुमने कहा लेंस स्टडी करते हैं। लेंस तो बनाया जाता है। तुम अगर चश्मा भी अगर जाओ ना नंबर देने, तो वो जो एनक वाला है वो भी टाइम लेगा, उसकी कटिंग करेगा चश्मे की, ये फ्रेम में ढालने के लिए नहीं, इस चश्मे की इसकी जो है इसकी कटिंग इस तरीके से ग्लास की करेगा कि तुम्हारी आंखों को एकदम सूट करेगा। मशीन्स करती हैं, पर एक्चुअल में वो लेंस बन कैसे रहा है? लेंस ऐसे बन रहा है, लेंस दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कॉम्बिनेशन है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस या प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखो कैसे मैंने आपको ये सिखाया कि ये पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ऐसी बना डायग्राम। तुम एक और कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लो, कंबाइन कर दो, कन्वेक्स लेंस बन गया। ये देखो कन्वेक्स लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। चलो तुम एक काम करो, तुम कनकेव शेप लो, कनकेव रिफ्रैक्टिंग लिया, तुम एक और कनकेव लो, दोनों को मिला लो, डबल कनकेव बन गया, कनकेव लेंस ऐसे बनता है। हाँ तुमने 10th में पढ़ा ये कन्वेक्स होता है, कनकेव होता है, बात खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता, ये बनाया जाता है। तो लेंस में जब लाइट आती है, मालूम है पहली रिफ्रैक्शन यहाँ पे होती है, दूसरी रिफ्रैक्शन यहाँ पे होती है, दो दो रिफ्रैक्शंस के बाद लाइट कन्वर्ज होती है। तो इमेजिन कर पा रहे हो हम क्या कर रहे हैं, हम लेंस बना रहे हैं, हम लेंस बना रहे हैं। और एक और बात, ऐसा भी हो सकता है कि तुम एक कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस लो, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये सरफेस प्लेन ले लो, प्लेन रिफ्रैक्टिंग, इसे बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स। ये रहा डबल कन्वेक्स, डबल कनकेव, मतलब कन्वेक्स कन्वेक्स, कनकेव कनकेव, प्लेन कन्वेक्स। ऐसा भी कर सकते हो ये प्लेन है और ये कनकेव है, इसे बोलते हैं प्लेनो कनकेव, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक कि लेंस कैसे बन रहा है? लेंस बनाने के लिए आपको कम से कम दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस चाहिए। क्लियर है यहां तक? अब अगर आप इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखें, लेंस में, कन्वेक्स लेंस में, ये देखो ये रे आई, इसका नॉर्मल इधर मिलेगा, पहली रिफ्रैक्शन में इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, इसका नॉर्मल इधर मिलेगा, डेंसर टू रेयर मूव कर रही है अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसी यहां पर टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। आप मजे की बात देखो, देखो यहां लाइट क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, इसलिए इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि दो दो रिफ्रैक्शन करने के बाद ये लाइट को बेंड कर देता है। तो अंदर लेंस नहीं है, अंदर रिफ्रैक्शंस है। तुम कनकेव ले लो, ये रहा कनकेव, लाइट आई, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, बाहर निकल जाओ अवे फ्रॉम नॉर्मल, लाइट आई टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो ये रिफ्रैक्शन ही इस तरफ है कि लाइट को क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों डाइवर्ज करते जा रहे हैं, डाइवर्जिंग लेंस है ये। तो समझ में आ रहा है कि ये हम नहीं कर रहे, ये कोई नेचर नहीं कर रही, बेसिकली तो रिफ्रैक्शन के इफेक्ट है इसमें, रिफ्रैक्शन सब कुछ होता जा रहा है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट आपने समझना है। दूसरा, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दो किस्म के लेंस हैं। कन्वेक्स लेंस की फर्दर तीन कैटेगरीज हैं, ये तीन टाइप के होते हैं। पहला डबल कन्वेक्स लेंस, दूसरा प्लेनो कन्वेक्स लेंस, मैंने बनाया डबल कन्वेक्स या बाय कन्वेक्स एक ही बात है, दूसरा प्लेन और कन्वेक्स, और तीसरा जो बनाया नहीं, कनकेव कन्वेक्स, कनकेव कन्वेक्स, ये नहीं बनाया मैंने, मतलब एक सरफेस कनकेव है और दूसरी सरफेस कन्वेक्स है। ऐसी कनकेव लेंस की तीन कैटेगरीज हैं, डबल कनकेव दोनों तरफ कनकेव, और दूसरा प्लेन कनकेव, और तीसरा कन्वेक्स कनकेव। तो इसको जरा देख लें, ये छह टाइप के लेंस कैसे दिखते हैं। नॉर्मली आपके क्वेश्चन दो पे आते हैं, डबल और प्लेन पे आते हैं, कनकेव कन्वेक्स और कन्वेक्स कनकेव पे आते नहीं, पर फिर भी हम कर लेते हैं, अगर बाई चांस कहीं आ जाए पता हो क्या करना है। तो इसके लिए काम करते हैं, आप जरा इनकी शेप देख लो। बाई कन्वेक्स लेंस या डबल कन्वेक्स लेंस ऐसा होता है,
प्लेन कन्वेक्स ऐसा होता है और कनकेवो कन्वेक्स ऐसा होता है, और इसके अंदर बाई कनकेव ऐसा होता है, प्लेन कनकेव ऐसा होता है, कन्वेक्स कनकेव ऐसा होता है। बहुत ही माइन्यूट अंतर है कनकेव कन्वेक्स में, कन्वेक्स कनकेव में इस लाइन का अंतर है, ये लाइन इसमें होती है, इसमें होती नहीं। अब ऐसा हो क्यों रहा है, ये किसने बनाया, इसको समझते हैं और डिटेल में। लेंस ऐसे बनते हैं, कन्वेक्स लेंस को देखना, अगर आप दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिज लें, जैसे दो स्फेयर्स हैं, वर्चुअल स्फेयर्स हैं, ग्लास के बने हुए हैं, और तुम एक के अंदर एक इसको इंटरसेक्ट करवा दो, तो जो इंटरसेक्शन का पोर्शन निकलेगा काट दो, बाहर ले आओ, कन्वेक्स लेंस से चेक करो, डबल कन्वेक्स लेंस चेक कर रहे हो, दो रिफ्रैक्टिंग मीडियम का इंटरसेक्शन है, ये भी ग्लास का बना हुआ है, ये भी ग्लास का बना हुआ है, जो कॉमन पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, डबल कन्वेक्स। अब मजे की बात ये है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट की तरफ है आर टू, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट की तरफ है आर वन, चेक कर लो। तो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों के रेडियस सेम होंगे, एक का कम एक का ज्यादा हो सकता है, एक ज्यादा कर्व है एक कम कर्व है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, वो उसकी देने वाले की मर्जी है, ज्यादातर वो रेडियस बराबर देते हैं। ज्यादातर है रेडियस बराबर देता है, पर ये मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि रेडियस बराबर हो। उसी तरीके से आप अगर एक ग्लास लें और एक प्लेन कट कर दें, यहां से लेंस बाहर निकाल लें, प्लेनो कन्वेक्स लेंस हो गया, सही है। अब ये क्रिटिकल है, आता नहीं है पर फिर भी मैं बता देता हूं, आप एक बड़ा स्फेयर लें ऑफ रेडियस आर वन, बड़ा स्फेयर ऐसा है, ये देखो, ये रहा आपका आर वन का बड़ा स्फेयर, देख रहे हो। आप एक छोटा स्फेयर लें, एक छोटा स्फेयर लें आर टू, ये देखो, सच दैट थोड़ा राइट की तरफ लें, इनका सेंटर कॉमन ना करें, राइट की तरफ लें, जो ये कॉमन पोर्शन निकलेगा, देख रहे हो, ये है आपका कनकेवो कन्वेक्स। पर ये कन्वेक्स लेंस की कैटेगरी है, कनकेव की कैटेगरी नहीं है, नाम कनकेव से स्टार्ट है पर लेंस कन्वेक्स है, मतलब सरनेम से जाना जाएगा कन्वेक्स, कनकेव तो नाम है, एक्चुअल में कन्वेक्स की कैटेगरी है, ठीक है यहां तक। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है इसमें, इसमें देखने वाली बात यह है कि ये जो सरफेस देख रहे हो, ये वाला, ये तो है कनकेव, क्यों, ये देखो, ये डेंसर है, ये कनकेव है, और ये देख रहे हो आर टू वाला, आर टू वाला ये क्या है, कन्वेक्स, देख रहे हो, ये देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, कन्वेक्स, जिसका रेडियस क्या है आर टू, और ये क्या है, कनकेव, जिसका रेडियस क्या है आर वन, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, ठीक। तो इसकी शेप समझ में आ रही है, कैसे आती है बाहर, इसमें से बस मुझे देख के ये बताओ, रेडियस आर वन बड़ा है कि आर टू बड़ा है, आर वन बड़ा है, आर टू छोटा है, डायग्राम चेक कर लो, इसमें आर वन की वैल्यू बड़ी है, ये देखो आर वन बड़ा है, आर टू छोटा है, तो लिख दिया मैंने आर टू की वैल्यू छोटी है, और आर टू कौन है, कन्वेक्स है, और आर वन की वैल्यू बड़ी है, आर वन क्या है, कनकेव है, तो बड़ा भाई कौन निकला, कनकेव, छोटा कौन निकला, कन्वेक्स, तो नाम बड़े भाई से रखा जाएगा, कनकेव कन्वेक्स। तो अगर आपको नाम कनकेव कन्वेक्स दिया हुआ है ना, तो समझ लेना कि इसका रेडियस बड़ा निकलेगा और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा निकलेगा, और शेप इसकी ऐसी निकलेगी, समझ में आ रहे हैं यहां तक, शेप याद कर ली और कुछ नहीं चाहिए, बड़े छोटे का तरीका बता दिया मैंने। और तीसरा, अगर मैं न्यूमेरिकल यूज करूं इसमें, न्यूमेरिकल में अगर इसका आर नेगेटिव है तो इसका आर भी नेगेटिव है, सेम साइन कन्वेंशन है, क्योंकि दोनों के सेंटर एक तरफ है, या अगर एक का आर पॉजिटिव दूसरे का आर भी पॉजिटिव ही होगा, सेम साइन कन्वेंशन है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों के एक तरफ है। आता नहीं है इसके ऊपर क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल टेंस ना हो, के ऊपर क्वेश्चन आता नहीं है, इन दोनों पे आते हैं, तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर भी उन्हें बता दिया, अगर कहीं क्वेश्चन दिख जाए तो एटलीस्ट वो कॉपी रेफर हो सकती है कि क्या करवाया था। कनकेव की बात करते हैं, तुम दो सरफेस लो, ये एयर के बने हुए, मान लो एयर और एयर है,
तुम इनको मिलाओ मत, दूर दूर रखो, और बीच में वाटर डाल दो या ग्लास डाल दो, इसको काट के बाहर निकाल लो। डबल कनकेव शेप देख रहे हो, कनकेव लेंस आ रहा है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कॉमन पार्ट है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दूसरी प्लेन ले लो और इनको बाहर निकाल लो, प्लेनो कनकेव। और तीसरा, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस बड़ा R1 लो, छोटा R2 लो, इस बार ओवरलैपिंग मत करो, अंदर ले जाओ इसको, छोटे स्फीयर को अंदर फिट कर दो। जब अंदर फिट करोगे, यहाँ ग्लास डाल दो, ये देखो ये लाइन देख रहे हो क्यों आ रही है, ये वाली, इस लाइन, इस लेंस को बोलते हैं कन्वेक्सो कनकेव। नाम से पता लग रहा है, पहला नाम कन्वेक्सो है, मतलब इसका रेडियस पक्की बात है बड़ा आएगा और इसका रेडियस छोटा आएगा। अब चेक भी कर लो, ये लो, ये कनकेव है, ये कनकेव है, और ये वाला कन्वेक्स है, कन्वेक्स है, ऐसे। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, कन्वेक्स है कनकेव है, इसको कैसे करना है इसमें। चलो इन एनी केस ये इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, बस मैंने कैटेगरी बता दी कि लेंस की कितनी कैटेगरीज हैं। अब हम क्या करते हैं, लेंस को यूज कैसे करना है इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक और चीज, स्टार्ट करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और एनसीईआरटी में आएगा।